अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। तो आइए, इसे बनाने के लिए हम ब्रेड लिए हैं, छोटे साइज का ब्रेड है। उसको चारों तरफ से कोना उसका निकाल दिए हैं काट के। एक कटोरी पिस्ता, बादाम और काजू है। थोड़ा सा फूड कलर है, एक चुटकी मिल्क पाउडर है एक कटोरी, और कोकोनट पाउडर है 2 चम्मच, और चीनी है 1 कटोरी, और थोड़ा सा इस पर फूड कलर जाएगा, ये चाशनी के लिए है। अब 1/2 लीटर दूध गर्म करेंगे, ये फुल क्रीम दूध है। इसमें इलायची का पाउडर डाल के इसे उबालेंगे 20-25 मिनट, ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, और साइड से इसको चलाते रहेंगे, इसका मलाई को ऊपर आने नहीं देंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये तली पे बैठे नहीं। इसको डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, और चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएंगे। दूध उबलते हुए 1/2 हो चुका है। अब इसे हम 10-15 मिनट और बनाएंगे ऐसे ही धीमी आंच पे। ये जो 1 कटोरी ड्राई फ्रूट है, इसको हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। 2-4 गार्निशिंग के लिए बादाम रख ले रहे हैं, और बाकी को दरदरा हम मिक्सर में पीस ले रहे हैं। दूध 10-15 मिनट से उबल रहा है और ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें पिस्ता, बादाम और काजू को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। ये भी और थोड़ा गाढ़ा होगा। इसमें थोड़ा और मिल्क पाउडर ऐड कर दे रहे हैं, हमको कम लग रहा है, इसलिए 2-3 चम्मच और मिल्क पाउडर ऐड कर दे रहे हैं इसमें, और इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चीनी और थोड़ा सा फूड कलर को 1/2 कप पानी में हम इसे चाशनी तैयार करेंगे, और चाशनी को तार वाला नहीं बनाएंगे, पर वो गाढ़ा हो थोड़ा, ड्रॉप के जैसा एक एक बूंद गिरे ऐसा हो, लेकिन वो तार वाला चाशनी नहीं हो। अब ये दूध अच्छे से पक चुका है, इसे हम और थोड़ा सा उबलने के बाद उतार लेंगे। तो उस वक्त हमको थोड़ा वो पतला लगा था, इसीलिए हम फिर से इसे उबाल रहे हैं। ये अभी एकदम सही है। अब फ्राई पैन को हम गरम करके इसमें तेल डालेंगे, रिफाइन ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं, और इसमें ब्रेड के स्लाइस को हम फ्राई करेंगे। आपको जैसा शेप रखना है आप उस तरीके से बना लें। हम पीस को बहुत बड़ा नहीं रखे हैं, ये स्लाइस को हम अच्छे से गोल्डन होने तक एकदम फ्राई करेंगे। अच्छा से ये एकदम गोल्डन ब्राउन होगा, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। ये देखिए, सब इसी तरीके से हम डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम है, और अच्छे से ब्राउन कलर आने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। सेट कर लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब इसे चाशनी में डालेंगे और थोड़ी देर रहने देंगे। 1-2 मिनट के बाद इसे हम फिर निकाल लेंगे प्लेट पे। इसका सिरप को एक्स्ट्रा को झाड़ के निकालेंगे। हम ऊपर में जो क्रीम बनाए हैं, वो क्रीम में एक भी चीनी नहीं है। अब इसे एक प्लेट पे रखने के बाद हम इस पे जो ये मिल्क का बनाए थे
रबड़ी उसे डाल देंगे और अच्छे से डाल देंगे चारों तरफ से फैला के। और फिर इस पे कोकोनट पाउडर डाल देंगे ऊपर से। कोकोनट का पाउडर डालने के बाद में अब इसमें कोकोनट पाउडर और इलायची पाउडर डाल देंगे ऊपर से, और गार्निशिंग के लिए जो बादाम रखे हैं उसको डाल देंगे। इलायची पाउडर, कोकोनट पाउडर और गार्निशिंग के लिए जो बादाम है उसे रख के इसके ऊपर हम 2 घंटे इसे ऐसे ही रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे, या फ्रिज पे रख दें आप और फिर इसे सर्व करें। अगर हम दूध में कस्टर्ड पाउडर डालते तो ये ज़रूर गाढ़ा हो जाता, पर इस पे वो टेस्ट नहीं आता, इस पे ये ज़्यादा टेस्ट होगा। आप ज़रूर बना के ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।